हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है उस टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो पिछले क्लास में आप सभी को मालूम है कि हमने हैबिट को डिस्कस किया था। अभी हैबिट को हमने कंप्लीट नहीं किया था, हैबिट का जो अधूरा पोर्शन हमारा रहा था उस अधूरे पोर्शन को हम आज कंटिन्यू करके इंशाल्लाह खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज हम लेने जा रहे हैं कुछ और तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट तरीके के हैबिट्स दिखाते हैं। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जिनको हम कहते हैं नॉक्टर्नल ऑर्गेनिजम्स। नॉक्टर्नल ऑर्गेनिज्म मींस वो ऑर्गेनिजम्स जो, ये याद रखना है शाबाश, दीस आर दी हैबिट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नॉक्टर्नल ऑर्गेनिज्म मींस दोस ऑर्गेनिजम्स which are active during night and inactive during day। रात को active रहते होंगे, food अगर उसको कहीं से अपने लिए food अगर ले लेना है उस food के लिए वो active रहता होगा और भी दूसरे activities के लिए वो active रहता होगा, लेकिन day के time पे वो inactive रहता होगा। उस तरीके के organisms को हम क्या कहते हैं, nocturnal organisms। देखिए हमारे पास बहुत सारे examples हैं nocturnal organisms के, तो पहले हमें define करना पड़ेगा what are actually nocturnal organisms। Those organisms that are active during night are called as nocturnal organisms। बच्चों आजकल शायद आप लोग भी बहुत ज्यादा nocturnal हो गए हैं ना, क्यों? क्योंकि मोबाइल आ गया है सबके पास, सोशल नेटवर्किंग साइट्स आ गए हैं, सोशल साइट्स आ गए हैं, तो रात भर आप एक्टिव रहते हैं, जगे रहते हैं और दिन में आप सो जाते हैं। तो एक तरीके से आप लोगों को भी नॉक्टर्नल हम कह सकते हैं, है ना, सभी नॉक्टर्नल हो गए हैं। चलिए, तो नॉक्टर्नल ऑर्गेनिज्म मींस दोस ऑर्गेनिज्म्स व्हिच आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट एंड इनएक्टिव ड्यूरिंग डे। इट मींस दे स्लीप ड्यूरिंग डे एंड दे बिकम एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। देयर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, वी हैव एग्जांपल्स। एज एन एग्जांपल वी हैव, क्या है, उल्लू बन गए वो कहते हैं ना, आउल्स एंड बैट्स। ये हमारे बेस्ट एग्जांपल है किसके, नॉक्टर्नल ऑर्गेनिजम्स के। ओके, अब देखो ये नॉक्टर्नल क्यों होते हैं, क्यों ये, यहां भी तो कोई रीजन होना चाहिए। तो ये इनका अपना डिफरेंट एडाप्टेशंस है। इन एडाप्टेशंस का मतलब हो गया, देखो जो ऑर्गेनिजम्स रात को एक्टिव रहते हैं फूड के लिए, तो वो ये कोशिश करता है कि उनको खाना ज्यादा से ज्यादा मिले। यानी वो अगर दिन में ये भी अगर एक्टिव रहते, सारे ऑर्गेनिज्म दिन में ही एक्टिव रहते, तो जो लिमिटेड खाना है या लिमिटेड जो फूड है उस लिमिटेड फूड के लिए वो बहुत ज्यादा कॉम्पीट करता। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो रात में एक्टिव रहेंगे, दिन में इनएक्टिव, दिन में जो एक्टिव रहेंगे उनको फूड अपना मिल जाएगा, लेकिन जो रात में एक्टिव रहते हैं उनके लिए कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जो भी नॉक्टर्नल ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर एडाप्टेशन एक और ये भी होगा, याद रखना जितने भी हमारे पास नॉक्टर्नल ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर हियरिंग, स्मेलिंग, ठीक है, एंड सीइंग, ये तीन जो सेंसेस है, दीस सेंसेस आर वेरी स्ट्रॉन्गर, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं इनमें, ये सेंसेस बहुत ज्यादा क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। ओके, ये याद रखना, ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो गया। नंबर सेकंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इसका जस्ट ऑपोजिट, ऑपोजिट मींस इस ग्रुप को हम कहते हैं डायूर्नल ऑर्गेनिजम्स। क्या कहेंगे बेटा, डायूर्नल ऑर्गेनिजम्स। डायूर्नल ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनिजम्स विच आर ऑपोजिट टू द नॉक्टर्नल। ऑपोजिट टू द नॉक्टर्नल मींस नॉक्टर्नल क्या होते थे, वो ऑर्गेनिजम्स जो एक्टिव रहते थे नाइट के टाइम पे। डायूर्नल ऑर्गेनिजम्स हो गया दोस ऑर्गेनिजम्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग डे एंड आर इनएक्टिव ड्यूरिंग नाइट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे, डायूर्नल ऑर्गेनिजम्स। तो हम यहां पे लिख सकते हैं बेटा ऑर्गेनिजम्स
ऑर्गेनिजम्स दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग डे आर कॉल्ड एज व्हाट डायूर्नल ऑर्गेनिजम्स. क्या कहेंगे शाबाश? डायूर्नल ऑर्गेनिजम्स. डायूर्नल ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल बताओ शाबाश. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं. एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, एनिमल्स जितने हैं, लार्जर एनिमल्स, या आप कह सकते हैं मैन हिमसेल्फ या हरसेल्फ आर डायूर्नल ऑर्गेनिजम्स. ओके, दीज आर टू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. मैं ये मिटा रहा हूं. नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एस्टिवेटिंग ऑर्गेनिजम्स, या आप प्रोसेस का नाम ही या उस फेनोमिनन का नाम ही लिख सकते हैं एस्टिवेशन करके. क्या करके? शाबाश, एस्टिवेशन. क्या होता है एस्टिवेशन? नेक्स्ट, एस्टिवेशन, एस्टिवेशन, एस्टिवेशन मींस एक ऐसा फेनोमिनन, एक ऐसा प्रोसेस जो कुछ ऑर्गेनिजम्स दिखाते हैं. इसको याद रखना, समर स्लीप भी कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? समर स्लीप. तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो समर का जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर से अपने आप को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि अनटॉलरेबल जो टेम्परेचर होता है, उस अनटॉलरेबल टेम्परेचर से अपने आप को बचाने के लिए टेम्परेरी स्लीप में चला जाता है वो, जिसे हम कहते हैं एस्टिवेशन. तो एस्टिवेशन का मतलब हो गया दोस ऑर्गेनिजम्स और इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ दोस ऑर्गेनिजम्स दैट आर दैट अंडरगो समर स्लीप टू अवॉइड द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द समर, स्कॉर्चिंग टेम्परेचर ऑफ द समर. दोस ऑर्गेनिजम्स, और आप कह सकते हैं इट्स द प्रॉपर्टी of organism, organisms to undergo what? To undergo temporary sleep. Temporary sleep in order to avoid, ताकि वो क्या कर सके? अपने आप को बचा सके. Avoid the scorching heat of summer. Scorching heat of summer. Mostly जो desert में जो organisms होंगे, या बहुत ज्यादा जहां पे temperature यानी रहते होंगे, ऐसे जगहों पे जो organisms होते हैं उस scorching heat से, scorching temperature से यानी अपने आप को बचाने के लिए, अवॉइड करने के लिए, ओवरकम करने के लिए वो क्या करते हैं? टेम्पररी स्लीप के लिए चला जाता है, जिसे हम कहते हैं एस्टिवेशन या समर स्लीप. देयर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, आप बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं. कुछ डेजर्टिक डेजर्टिक स्क्वायरल्स, कुछ स्क्वायरल्स होते हैं डेजर्ट्स में, कुछ स्नेक्स होते हैं डेजर्ट्स में, एटसेट्रा. ये जो है क्या कहते हैं? टेम्पररी स्लीप के लिए चला जाता है. ओके, नेक्स्ट जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है इसका जस्ट ऑपोजिट, ये हो गया समर स्लीप. नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज व्हाट? हाइबरनेटिंग ऑर्गेनिजम्स, या उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं हाइबरनेशन. क्या कहेंगे? हाइबरनेशन. ओके, हाइबरनेशन. हम लोग कहते हैं ना, जब बहुत ज्यादा कोई, अब जब बहुत ज्यादा समय के लिए गायब हो जाता है, या आंखों से ओझल हो जाता है, या दूर हो जाता है, हम कहते हैं क्या तुम हाइबरनेशन में चले गए थे? इट मींस हाइबरनेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रॉपर्टी ऑर्गेनिजम्स का जिसमें ऑर्गेनिजम्स विंटर के चिल्ली उस टेम्परेचर को या चिल्ली कंडीशन से अपने आप को दूर रखने के लिए, अवॉइड करने के लिए, ओवरकम करने के लिए
जब वो विंटर में टेम्परेरी स्लीप के लिए चला जाता है, दैट प्रॉपर्टी ऑफ दोस ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज हाइबरनेशन. क्या कहेंगे उसे? हाइबरनेशन. हाइबरनेशन मीन्स इट्स अ प्रोसेस और द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट अंडरगोस टेम्पररी स्लीप इन विंटर. टेम्पररी स्लीप इन विंटर इन ऑर्डर टू अवॉइड अवॉइड द चिली विंटर कंडीशन. या द चिली विंटर, जो यह या आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा ठंड जो विंटर का है, उससे अपने आप को बचाने के लिए वो टेम्पररी स्लीप के लिए अंदर चला जाए, टेम्पररी स्लीप में चला जाता है. उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्या? हम कहेंगे हाइबरनेशन. हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? हमारे पास एग्जाम्पल है बहुत सारे. आपके पास आप कह सकते हैं जो ब्राउन बियर है, हिमालयन ब्राउन बियर, दीस आर द बेस्ट एग्जाम्पल. और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी आप देखते हैं अभी विंटर में कोई भी इंसेक्ट्स आपको दिखाई, ना मक्खी आपको दिखाई देता है, ना कोई चींटी आपको दिखाई देता है, ऑल दोस जो है वो हाइबरनेशन के अंदर चला जाता है. ठीक है, दीस आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ हाइबरनेटिंग ऑर्गेनिजम्स. अब देखो एक चीज है, जो भी ऑर्गेनिज्म चाहे वो एस्टिवेशन में चला जाता हो चाहे वो हाइबरनेशन में चला जाता हो, इन सारे ऑर्गेनिजम्स का जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है, क्या वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है? नहीं. इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा इन टेम्पररी स्लीप के अंदर ड्यूरिंग समर एंड विंटर, उनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो कंप्लीटली स्टॉप नहीं होता, बल्कि वो स्लो डाउन हो जाता है. यानी रेट ऑफ जो प्रोसेस है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, स्लो हो जाता है. ये याद रखना है. ठीक है, ओके. तो अब देखो, अभी तक हमने कहा नॉक्टर्नल एक हैबिट है ऑर्गेनिज्म का, डायूर्नल दूसरा हैबिटेट है. सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो डायूर्नल नहीं हो सकता, सारे ऑर्गेनिज्म आपका नॉक्टर्नल नहीं हो सकता, सारे ऑर्गेनिज्म एस्टिवेशन शो नहीं कर सकता, सारे ऑर्गेनिज्म हाइबरनेशन शो नहीं कर सकता. इट मीन्स All the organisms have different habits, and based upon these different habits, we can place the living organisms in different taxon, in different categories, so that our study of those organisms will become very easy. Okay? Do some matana, kuch habits aur thoda sa aur aage badhenge. Shabash. Ab hum jayenge. रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन है, आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन जो है वो सब में एक जैसा नहीं होता. रिप्रोडक्शन को शुरू में जब आपका इंट्रोडक्टरी क्लासेस हमने लिया था, तो रिप्रोडक्शन पे बहुत अच्छी तरीके से हमने डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था. यहां पे हम ज्यादा रिप्रोडक्शन पे फोकस नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा इसको डिफाइन करके आगे चला जाएंगे. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता था? शाबाश, यहां पे दो वर्ड्स हैं. देखिए शाबाश, री मींस अगेन, री मींस अगेन, एंड प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन, अगेन फॉर्मेशन. अब अगेन फॉर्मेशन हम तभी कह सकते हैं जब शुरू से ही हमारे पास कोई चीज प्रेजेंट होगा. हम कहेंगे मेरे पास ये ग्रीन मार्कर है, इस ग्रीन मार्कर को दोबारा बनाना अगर होगा तो हम उसको कहते हैं ये रिफॉर्मेशन हो रहा है, दोबारा बन रहा है. दोबारा जो वर्ड आ रहा है वो तभी आ रहा है जब हमारे पास पहले से कोई चीज प्रेजेंट हो. इसका मतलब, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो रहा है? कि कोई चीज पहले से मौजूद है वो दोबारा बन रहा है. इट मीन्स रिप्रोडक्शन को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? शाबाश, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ निव यंग वंस मोर और लेस
सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग वंस मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट्स इज टर्म्ड एज व्हाट? रिप्रोडक्शन. उसको हम क्या कहते हैं बेटा? रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन. ओके, यहां पे दो चीजें आता है मोर और लेस. इसका मतलब जो नया, मान लीजिए मेरे पास पहले से कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, इस ऑर्गेनिज्म से मुझे नया ऑर्गेनिज्म बनाना है, उसी नया ऑर्गेनिज्म बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. अब जो नया ऑर्गेनिज्म होता है वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट जैसा भी हो सकता है, या कुछ कैरेक्टर्स पेरेंट से मिलते होंगे लेकिन कुछ कैरेक्टर्स पेरेंट से डिफरेंट होगा. उसी के बेसिस पे कि वेदर द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, या आप कह सकते हैं वेदर द न्यू यंग वंस प्रोड्यूस्ड आर एग्जैक्टली कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स आर डिफरेंट इन सम एस्पेक्ट्स, डिफरेंट इन सम कैरेक्टर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, देयर आर टू. जनरली हम कितने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं? टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. लेकिन यहां पे हम तीन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे. थर्ड जो टाइप है उसी को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको अलग पढ़ने की कोशिश करेंगे. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. हमारे पास एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट्स द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट, अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ, अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग वंस. यहां पे आपको पता है शायद क्या कहते थे, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नया ऑर्गेनिज्म बनता था सिंगल पेरेंट से, उस सिंगल पेरेंट से नया बनने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट के जेरोक्स होता था, कॉपीज होता था. दैट इज वाई हम उन जेरोक्स कॉपीज को हम क्या कहते थे बेटा? हम उनको कहते थे क्लोन्स कहते थे. क्या कहते थे? क्लोन्स. और इंडिविजुअल मेंबर ऑफ क्लोन्स को हम क्या कहते थे बेटा? रैमेट कहते थे. क्या कहते थे? रैमेट. ये याद रखो, शाबाश. दीज आर इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस सिंगल पेरेंट अगर इन्वॉल्व होगा नए ऑर्गेनिजम्स बनाने में. इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिछले क्लास के अंदर आपको क्लास में बहुत अच्छी तरीके से हमने ये पढ़ाया था. नंबर सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट मीन्स इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, पेरेंट जो इन्वॉल्व होता है वो दो होते हैं, एक मेल पेरेंट दूसरा फीमेल पेरेंट, ऑपोजिट सेक्स वाले पेरेंट. तो इट मींस देयर आर टू पेरेंट्स व्हिच आर टू पेरेंट्स टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. क्या कहते हैं इनको? टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. दैट इज वाई हम इनको क्या कहते हैं? बाई पेरेंटल कहते हैं. इनको क्या कहते हैं? यूनी पेरेंटल कहते हैं. क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज यूनी पेरेंटल. ये सबको पता है शाबाश. एंड दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? बाई पेरेंटल. क्या कहते हैं? बाई पेरेंटल. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यानी दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होके, दो सेक्सेस इन्वॉल्व होके आपका जो नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है वो नया ऑर्गेनिज्म, न्यू जो यंग वन है, वो अपने पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा. उन न्यू यंग वंस और इन पेरेंट्स के बीच में कैरेक्टर का डिफरेंस होगा. उसी कैरेक्टर के डिफरेंस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? वेरिएशन कहते हैं. क्या कहते हैं? याद रखिएगा, क्या कहेंगे उसे? वेरिएशन कहेंगे. आई होप समझ में आ रहा होगा. ये सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया. थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जनरली हम लोगों को प्लांट्स के अंदर दिख जाता है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे. थर्ड टाइप जो है दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. एक्चुअली ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे हम थोड़ा सा अलग पढ़ लेंगे. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन्स सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए. देखो शाबाश,
प्लांट्स के अंदर दो तरीके के सेल्स आपको मिल जाएंगे, जिस तरीके से एनिमल्स में भी दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक आपका सोमैटिक सेल, दूसरा आपका जर्म सेल या गैमेटिक सेल जिनको आप कहते हैं। उसी तरीके से प्लांट्स में भी आपके दो तरीके के सेल्स होंगे। कौन कौन से सेल बेटा? एक सेल को हम कहेंगे शाबाश वेजिटेटिव सेल कहेंगे, क्या कहेंगे? वेजिटेटिव सेल। एंड एक सेल को हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव सेल, क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव सेल। शाबाश। वेजिटेटिव सेल का मतलब हो गया, देखो वो सेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते होंगे। फॉर एग्जांपल आपका जो स्टेम है उसके अंदर जितने भी सेल्स है वो क्या होंगे? वेजिटेटिव सेल। आपके पास लीफ है, आपके पास रूट है, ये सारे के सारे वेजिटेटिव सेल्स, इनके अंदर जो भी सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपका वेजिटेटिव सेल। लेकिन रिप्रोडक्टिव सेल आपका कहां पर प्रेजेंट होता है? प्लांट के फ्लावर के अंदर। किसके अंदर? शाबाश, फ्लावर के अंदर। ट्वेल्थ क्लास के अंदर ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ना है। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया, अगर प्लांट नया जनरेशन बना रहा है, न्यू यंग वंस बना रहे हैं, किसकी मदद से? वेजिटेटिव सेल या वेजिटेटिव पार्ट की मदद से, यानी स्टेम पे करना अगर कटूंगा तो नया प्लांट का तो लगना, लीफ पे करना नया प्लांट का तो लगना, रूट पे करना नया प्लांट अगर हमें बन रहा है, उस रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखो मतलब पता, स्टेम आप क्या करते हैं, घर पे जो आपके पास पॉपुलर होते हैं या आपके पास विल्लो ट्री होता है उसको काटते हैं एक समय पे, काटने के बाद हम उसको क्या करते हैं? प्लांटेशन, डेफोरेस्टेशन करते हैं, मतलब चंसल तंग समझ बता, वो क्या है? ब्रांच जो है या स्टेम का पार्ट ले रहा है, ले जाके आप सॉइल के अंदर उसको डाल रहे हैं और उसी ब्रांच से आपका नया प्लांट जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब वेजिटेटिव पार्ट स्टेम उसको ले जा रहा है, उससे नया प्लांट बन रहा है। उस प्रोसेस को या उस रिप्रोडक्शन को जिसमें वेजिटेटिव पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बनता होगा या नया प्लांट बनता होगा उसे क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मींस प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस, प्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग वंस, न्यू यंग वंस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शाबाश, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम बहुत सारे, शाबाश। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आप एग्जाम्पल लिखेंगे कौन कौन से? हम कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। कौन सा? हमारे पास क्या होता है शाबाश? अमीबा होता है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल दैट शोज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सिंगल पेरेंट से आपका नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, नया प्लांट बनेगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या है? हाइड्रा है, ये भी इस एन एनिमल, तो इसके अंदर आप क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आप एग्जाम्पल, आप अपना एग्जाम्पल ले लो, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। जो भी आपके पास लार्जर एनिमल्स हैं, वो लार्जर एनिमल्स क्या दिखाते हैं? ज्यादातर जो लार्जर एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन हिमसेल्फ, ह्यूमन आल्सो, दे शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर आप एग्जांपल क्या लिखेंगे बेटा? शाबाश, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर जो एग्जाम्पल आप लोगे, दैट एग्जाम्पल इज, आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप अनियन का ले सकते हैं, ऑनियन के अंदर जिसको हम कहते हैं एलियम सीपा, इट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ अनियन। अनियन के अंदर आपका वेजिटेटिव प्रॉपर, इसका मतलब अनियन के वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट बनता है। दूसरा हमारे पास है जिंजर, अदरक जो है उसके अंदर वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट बनता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। दिस इज जिंजिबर ऑफिशिनेल, दिस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ व्हाट? बॉटनिकल नेम ऑफ अदरक या जिंजर। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं गार्लिक, गोप्पा जिसे हम कहते हैं, या लहसुन जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर भी आपका क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है। बैनाना, उसके अंदर सीड प्रेजेंट नहीं है ना, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन ही होता है। वेजिटेटिव उसके स्टेम से ही आपका नया प्लांट बनता है, ठीक है? तो आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। आपके पास ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स का भी
क्या होता है उसके अंदर भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, दिस इज विटिस विनिफेरा, विटिस विनिफेरा। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शोविंग प्लांट्स, जिनके अंदर यानी रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब देखो सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन एक जैसा नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखेगा, कुछ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखेगा, और कुछ ऐसे हैं जिसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दिखेगा। इट मींस रिप्रोडक्शन सारे ऑर्गेनिज्म में एक जैसा नहीं है, डिफरेंट रिप्रोडक्शन दिखा रहा है। तो हम रिप्रोडक्शन के बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, याद रखो, ठीक है। और एक चीज हमारे पास है न्यूट्रिशन, सबको पता है न्यूट्रिशन सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक जैसा नहीं होता है। किसी में आपको दिख जाएगा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किसी में आपको दिख जाएगा हीटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और कुछ में आपको दिख जाएगा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और कुछ में आपको दिख जाएगा सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट मीन्स सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर फूड को प्रिपेयर करने का कैपेसिटी नहीं है, या फूड को लेने का तरीका सब में एक जैसा नहीं है। That is why, based upon nutrition, we can also classify living organisms in different groups या different categories or taxons. तो यहां पे nutrition की अगर आप बात करते हैं, it is not same in all living organisms. Nutrition, it is not same in all living ऑर्गेनिजम्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन एक जैसा नहीं होता है। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म शोज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट मींस दे कैन प्रिपेयर देयर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स। सम आर शो या सम कैन शो हीटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, heterotrophic nutrition, it means they are dependent upon others, mostly autotrophs. Third type of organisms on the basis of mode of nutrition is saprophytic. Some shows what? Saprophytic nutrition, and some of them also shows what? Parasitic nutrition. क्या होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन? तो ये चीज याद रखना है, शाबाश। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस प्रिपेयर देयर ओन फूड, शाबाश, याद रखिए। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ग्रीन प्लांट्स, बताइए एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ग्रीन प्लांट्स। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ बेटा, फिर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर्स, दैट इज ऑटोट्रॉप से। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है बेटा, एनिमल्स हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है। क्या है, एनिमल्स हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है। इसी तरीके से सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज दे फीड अपॉन या दे गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर्स, टेक और गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर्स। कोई एग्जाम्पल मुझे बताओ, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल, हमें उसके बारे में आगे भी पढ़ना है। क्या है बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है व्हाट, फंजाई। फंजाई आर सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, यानी सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शोइंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, दैट इज ऑर्गेनिजम्स दैट शो पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो हमें पता है पैरासिटिक थोड़ा हमने पहले भी पढ़ा है, इट मींस
lives on other organisms उस अदर ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं होस्ट बाय हार्मिंग देम बाय हार्मिंग देम इट मीन्स सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूट्रिशन भी एक जैसा नहीं है किसी में ऑटोट्रॉफिक है किसी में हीटरोट्रॉफिक किसी में सेप्रोफाइटिक किसी में पैरासाइटिक तो बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम क्या ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं ना आप ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स को एक ग्रुप के अंदर रखेंगे तो न्यूट्रिशन दोनों का एक जैसा नहीं रख सकते सेप्रोफाइट्स और एनिमल्स को एक ग्रुप के अंदर रखेंगे तो गलत हो गया फंजाई और अगर एनिमल को एक ग्रुप के अंदर क्योंकि न्यूट्रिशन उनका डिफरेंट है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर अगर ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे रख लिए जिनका न्यूट्रिशन एक जैसा नहीं होगा तो ये सही नहीं है तो बेस्ड अपॉन न्यूट्रिशन हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्या कर सकते हैं क्लासिफाई कर सकते हैं ठीक है ओके बेटा ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन एक और हमारे पास कैरेक्टर है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले क्लास में हम पढ़ेंगे आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा और जो भी क्वेरीज या जो भी आपको डाउट रहता है आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं या इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक वी हैव स्टडीड नाउ थैंक यू एंड थैंक यू ऑल द बेस्ट